भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किया इस विधानसभा चुनाव में सभी 17 रिजर्व सीट जीतने का दावा। सोलन में आयोजित अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन में प्रदेश व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संजय निर्मल ने भी एससी वोटर का झुकाव भाजपा की तरफ होने का दावा किया। अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सूबे की सभी 17 रिजर्व सीटों पर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में हालांकि भाजपा ने 17 में से 13 सीट पर बड़ी जीत हासिल की थी, मगर इस बार अनुसूचित जाति अथवा दलित वोटर का झुकाव भाजपा की तरफ ज्यादा दिख रहा है, जिसके चलते पार्टी 17 की 17 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। सुरेश कश्यप ने सोलन में आयोजित भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन में प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा शेड्यूल कास्ट के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। एससी सम्मेलन में बतौर मुख्य वक्ता मौजूद मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संजय निर्मल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी व ऐतिहासिक योजनाएं चलाई गई है, जिसके चलते अब दलित वर्ग के लोगों अथवा मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस की बजाय सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भाजपा की तरफ बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश भर में अनुसूचित जाति वर्ग जो कि हमारे प्रदेश में इस समय जनसंख्या का लगभग 26% है, और मैं समझता हूँ एक बहुत अहम रोल उनका जो है पिछले विधानसभा चुनाव में भी रहा, जब 17 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार भी अनुसूचित जाति वर्ग जिस प्रकार से जो कार्य इस वर्ग के लिए हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार ने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, और मैं समझता हूं कि इस बार हमारा जो लक्ष्य है वो 17 में से 17 सीटें जीत कर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हिमाचल प्रदेश में विराजमान करना है। और उसी कड़ी में बहुत सारे हमारे भाई बंधु और हमारी बहनें, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग जो हैं कांग्रेस पार्टी जो अनुसूचित जाति वर्ग को अपनी जेब में समझती थी, आज जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं।